नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज बात करेंगे रामदेवरा पीर की आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं और हिंदू मुसलमान दोनों की श्रद्धा उनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन सभी लोगों को उनके जन्म समाधि के बारे में ठीक से पता नहीं है। तो दोस्तों, आज रुणीचा के महाराज के बारे में जानेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, बिना देर किए चलिए इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का माँ लक्ष्मी का माँ बगलामुखी का बाबा रामदेव पीर का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज एक अद्भुत विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, रामदेव जी के बारे में, रामापीर के बारे में। आप सभी जानते होंगे, चूंकि आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान के लोक देवता हैं रामापीर के नाम से जिन्हें जाना जाता है। 15वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में लूट खसोट, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम झगड़ों आदि के कारण स्थितियां बड़ी अराजक बनी हुई थी। ऐसे विकट समय में पश्चिम राजस्थान के पोकरण नामक प्रसिद्ध नगर के पास रुणीचा नामक स्थान में तोमर वंशीय राजपूत और रुणीचा के जो शासक थे अजमाल जी, उनके घर पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दूज तिथि के दिन, द्वितीया तिथि के दिन विक्रम संवत 1409 को बाबा रामदेव पीर अवतरित हुए। उन्होंने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया, जिन्होंने लोक में व्याप्त अत्याचार, वैर, द्वेष, छुआछूत का विरोध कर अछूतो द्वार का सफल आंदोलन चलाया था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामापीर ने अपने अल्प जीवन के 33 वर्षों में वो कार्य कर दिखाया जो सैकड़ों वर्षों में भी होना संभव नहीं था। सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाने, सभी वर्गों में एकता स्थापित करने की पुनित प्रेरणा के कारण ही बाबा रामदेव जहां हिंदुओं के देव हैं, तो मुस्लिम भाइयों के लिए रामसा पीर है। एक ही इंसान रामसा पीर और देवता, अद्भुत अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। मुस्लिम भक्त बाबा राम को रामसा पीर कहकर पुकारते हैं। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में पांच पीरों की प्रतिष्ठा मानी जाती है, पांच पीर जिनमें बाबा रामसा पीर का विशेष स्थान है। ऐसा स्थान जहां हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं है। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य कर सिर्फ दलितों का पक्ष ही नहीं लिया, वरन उन्होंने दलित समाज की सेवा भी की। संवत 1409 की बात बता रहे हैं तो आज दलितों के क्या हालात है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाई भाई झगड़ रहे हैं। लालीबाई नामक एक दलित कन्या का उन्होंने अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण भी किया। यही कारण है कि आज बाबा के भक्तों में बहुत बड़ी संख्या जो है वो हमारे दलित भाइयों की है, उन भक्तों की है। बाबा रामदेव पोकरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं अपितु जनसेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों और जरूरतमंदों की सेवा की। यही नहीं, उन्होंने पोकरण की जनता को भैरव राक्षस के आतंक से भी मुक्त कराया। बाबा रामदेव ने अपने जीवन काल के दौरान और समाधि लेने के बाद कई चमत्कार दिखाए, जिन्हें लोक भाषा में हम पर्चा देना कहते हैं, पर्चा देना। इतिहास और लोक कथाओं में बाबा के द्वारा दिए गए ढेर सारे पर्चों का जिक्र, उनमें से कुछ पर्चों का जिक्र आज मैं भी आपके सामने करूंगा। तो आखिर जन जन की सेवा के साथ सभी को एकता का पाठ पढ़ाने वाले बाबा रामदेव ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि ले ली थी। रामदेव जी ने अपने हाथ से शीफल लेकर सब बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और पुष्प चढ़ाया उनके ऊपर। रामदेव जी का हार्दिक तन मन और श्रद्धा से अंतिम पूजन किया।
रामापीर ने समाधि में खड़े होकर सबके प्रति अपने अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि प्रति माह के शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, पर्वोत्सव मनाना, राति जागरण करना, प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष में तथा अंतर ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्थल पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति मत रखना, भेदभाव मत रखना, मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूंगा। इस प्रकार श्री रामदेव जी महाराज ने समाधि ली। आज भी बाबा रामदेव के भक्त दूर दूर से रुणीचा उनके दर्शनार्थ आते हैं, आराधना करते हैं, पैदल चलते हैं, कष्ट झेलते हुए पहुंचते हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, नाचते गाते अपने भक्तों को दुख को दूर करते हैं, मुराद पूरी करते हैं। हर साल लगने वाले मेले में लाखों की तादाद में जुटी भीड़ उनके भक्तों की भीड़ से उनकी महत्वता, उनके प्रति जन समुदाय की श्रद्धा का आकलन बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। रामदेव जी महाराज ने पोकरण से 12 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता उत्तर दिशा में एक गांव की स्थापना की, उसका नाम रुणीचा रखा गया। रुणीचा में ही लोग बसने लगे और रुणीचा गांव बड़ा सुंदर रमणीय स्थल अब तो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर कार्य हो चुका है। क्योंकि रामदेव जी अतिथियों की सेवा में ही अपना धर्म समझते थे, अंधे लूले लंगड़े कोड़ी दुखियों को हमेशा हृदय से लगाकर वो रखते थे, तो ऐसे हमारे बाबा रामापीर। पंडित जी कहानी क्या है जो जन्म हुआ है रामदेवरा जी का, उसके पीछे की जो कहानी है वो कहानी जानना चाहेंगे हम आपसे। आइए अब उनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। 11वीं शताब्दी में दिल्ली के राजा थे श्री अनंगपाल जी महाराज, उनके दो पुत्रियां थी कमलाबाई और रूप सुंदरी बाई। कमलाबाई का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के साथ हुआ, वही रूप सुंदरी बाई का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल जी राठौड़ के साथ हुआ। महाराज अनंगपाल जी को कोई लड़का नहीं था, उन्होंने कमलाबाई के पुत्र पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। धीर सिंह जी तंवर महाराज अनंग पाल जी के चचेरे भाई थे, उन्होंने कुछ राज्य धीर सिंह जी तंवर को भी दे दिया और धीर सिंह जी तंवर को एक पुत्र था जिनका नाम था रण सिंह जी तंवर। रण सिंह जी तंवर के भी दो पुत्र थे, एक का नाम था धनरूप तंवर, दूसरे का नाम था अजमल जी तंवर। धनरूप जी तंवर को दो पुत्रियां थी लच्छाबाई और सुगनाबाई। अजमल जी तंवर का विवाह जैसलमेर की राजकुमारी मैनादे के साथ हुआ था। अजमल जी तंवर पोकरण के राजा बने, उनको कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो जो राजा अजमल जी थे वो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। हमेशा राज्य के सुख शांति की मनोकामना से द्वारिका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर द्वारिका गए। कहते हैं भगवान द्वारकाधीश की कृपा से, श्री कृष्ण उस लल्ला की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश होने की अगली सुबह किसान अपने खेतों को जा रहे थे, रास्ते में उनको राजा अजमल जी मिल गए। किसान वापस अपने घरों की तरफ जाने लगे, राजा ने वापस जाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि महाराज आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने से अपशकुन हो गया, हम तो वापस लौट रहे। प्रजा ऐसा बोले तो राजा को बहुत दुख हुआ। अजमल जी ने किसानों को कुछ नहीं कहा, वे वापस घर आ गए, काफी निराश हुए। उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से द्वारकाधीश के दर्शन हेतु जाने का फिर निश्चय किया। भगवान द्वारकाधीश जी के प्रसाद हेतु लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल जी ने अत्यंत दुखी होकर भगवान द्वारकाधीश जी की मूर्ति के सामने अपना सारा दुख कहा। हम किसको अपना दुख कह सकते, ये जो पत्थर की मूर्ति है, ये जो काना है, ये लल्ला है, इसी को ही अपना सब कुछ दुख कह देते हैं, ये ही सुनेगा, है तो पत्थर का लेकिन इसमें जो दिल है वो कृष्ण का है। अपना दुखड़ा भगवान को सुनाने के बाद राजा अजमल जी ने बड़ी याचक दृष्टि से भगवान की मूर्ति को देखा। वो भगवान की मूर्ति हंसती हुई सी देखकर अजमल जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने लड्डू फेंका भगवान के एक जोर से जो सीधा उनके सिर पे जाके लगा मूर्ति के। ये सब देखकर मंदिर का पुजारी अजमल जी को पागल समझकर बोला कि भगवान यहां नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं, अगर आपको मिलना है तो समुद्र में जाओ। राजा पागल हो चुके थे, दुखी हो चुके थे, समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद पड़े। तो भगवान द्वारकाधीश ने भक्त की भक्ति हो भगत के वश में है भगवान, कूद गए वो समुद्र में। राजा अजमल को समुद्र में भगवान द्वारकाधीश ने दर्शन दिए और कहा कि वे खुद भादवा मास के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र भक्त के रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर है ना पट्टी बंधी हुई, तो राजा अजमल जी ने पूछा कि भगवान आपको चोट किसने दे दी, ऐसा कौन बेवकूफ है जिसने आपको चोट दी। भगवान ने कहा कि मेरे एक भोले भक्त ने लड्डू से मुझे मारा। ये सुनकर वो अजमल जी बहुत शर्मिंदा हुए।
राजा अजमल जी भगवान से बोले कि भगवान मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं। तो भगवान बोले कि जब मैं तेरे घर आऊंगा तो आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान बन जाएंगे, मंदिर की जो घंटियां हैं, जो शंख हैं, वो अपने आप बजने लग जाएंगे। राजा अजमल जी खुशी खुशी घर लौटे, रानी को सारी बात बताई और कुछ समय बाद प्रभु के चमत्कार से, लल्ला के चमत्कार से, द्वारकाधीश के चमत्कार से उनके यहाँ लड़का हुआ जिसका नाम ब्रह्मदेव रखा गया। भगवान के कहे अनुसार ही भादवा की दूज के दिन भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में अवतार लिया। उस समय सभी मंदिरों की घंटियां जो अपने आप बजने लगी, तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। लल्ला स्वयं अवतरित हुए, द्वारकाधीश आए, महलों में जितना भी पानी था दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पद चिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा जो वो शंख था वो स्वतः ही बजने लगा क्योंकि प्रभु का आगमन हो चुका था। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारकानाथ जी की जय बोली। आप भी मेरे साथ में एक बार पुनः द्वारकानाथ जी की जय बोली। जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों फिलहाल के लिए वक्त उतरा एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मजा आएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। माल जीरा कमया